हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनी ब्यूटी एंड हेल्थ। एस यू नो, मैं हूँ हनी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपना बालों को नेचुरली ग्रो करने का तरीका। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किए हैं बालों को सिल्की शाइनी बनाने का और साथ ही बालों को लंबाई बढ़ाने का तरीका। तो इसलिए आज मैं आपको बालों को लंबाई कैसे बढ़ा सकती हूँ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अच्छे रिजल्ट के लिए वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। अगर आप इसके साथ ही साथ वो टिप्स और भी शेयर करोगी ना, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट में पूछा है कि मेरे सिल्की और शाइनी बालों का इलाज क्या है। क्योंकि आप देख सकती हो मैं रिसेंटली मेरा बालों को कट भी करवा चुकी हूँ और थोड़ा बहुत हेयर कलर भी करवा चुकी हूँ, फिर भी मेरा बालों को शाइननेस जो है, मेरे बालों को ग्लोनेस जो है वो हमेशा ऐसे ही रहता है। इसके रीज़न ये कि मैं काफ़ी सारे हेयर केयर रेमेडीज ट्राई करती हूँ, तो वही वन ऑफ द होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को अच्छे रिजल्ट के लिए एंड तक देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बालों को लंबे करने के लिए तरीका मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें लेना चाहिए एलोवेरा रिप। आप फ्रेशली एलोवेरा को वॉश कीजिए, इसके बाद आप छोटा सा एलोवेरा स्लाइस को इस तरह लेके स्लाइसिस को लीजिए और एलोवेरा का साइड्स को कट कीजिए। क्योंकि एलोवेरा अपना स्किन के लिए ने अपना बालों को ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है, ये अपना बालों को ग्रोथ को भी बढ़ा देती हैं। अगर आपके बालों के ऊपर ज़्यादा ही डस्ट है तो उसको भी हटाना है, तो कंपलसरी एलोवेरा इस्तेमाल करना है। इससे बालों का ग्रोथ भी बहुत जल्दी से जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं एलोवेरा ले चुकी हूँ। इससे बाल भी बहुत स्ट्रांग होता है। आप अपना बालों को धोने के पहले एलोवेरा को अपना बालों के ऊपर इस्तेमाल करने से अपना बाल जो है बहुत अच्छी तरह बढ़ता है। तो अगर आपको आप एक एलोवेरा रिप लीजिए, उसको इस तरह कट कीजिए और साइड्स को जो है उसका स्लाइड का स्लाइसिस को कट करके इस तरह इसमें हमें ऐड करना चाहिए कोकोनट ऑयल। क्योंकि एलोवेरा में कोकोनट ऑयल यूज़ करके अपने बालों को इस्तेमाल करने से ये अपने बालों को ग्रोथ को बढ़ा देती हैं, इससे बाल भी बहुत जल्दी बढ़ता है। एलोवेरा ड्रिप में पर 2 से 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल ऐड करना है। आप नॉर्मली बालों को फुल्ली ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू करते हो, आप इस बार इस तरह ट्राई कीजिए। नेचुरल एलोवेरा में आप कोकोनट ऑयल ऐड करके अपने बालों को अप्लाई कीजिए और स्कैल्प से लेके ओवरऑल बालों के ऊपर अप्लाई कीजिए। एलोवेरा से आप डायरेक्टली कोकोनट ऑयल को यूज़ करके बालों के ऊपर अप्लाई करने से अपने बाल बहुत अच्छी तरह ग्रो होंगे। क्योंकि कोकोनट ऑयल अपने बालों को अच्छी तरह नॉरिश करता है और ड्राई डैमेज्ड हेयर को भी रिपेयर करता है, और इसमें एलोवेरा ये अपना बालों को रिपेयर करता है और बालों को ग्रोथ को भी जल्दी से जल्दी बढ़ाता है। तो इस तरह एलोवेरा में कोकोनट ऑयल ऐड करके अपना बालों के ऊपर अप्लाई कीजिए अच्छी तरह। आप जितना चाहिए उतना कोकोनट ऑयल डाल के अप्लाई कीजिए। इस तरह अप्लाई करके 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपके बाल छोटे हैं और लंबे हो, आप कोकोनट ऑयल ऐड करके एलोवेरा लिप की मदद से ही अप्लाई करना चाहिए। ऐसा अप्लाई करके 1.5 घंटे छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना बालों को किसी भी शैम्पू से अपना बालों को वॉश कीजिए। ऐसे करके आप देखिए अपने बाल जो है इंस्टेंटली बहुत सिल्की शाइनी होंगे। क्योंकि एलोवेरा और कोकोनट ऑयल अपना बालों को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करता है, नॉरिशिंग करता है और कंडीशनिंग भी करता है। अब दोबारा कंडीशनर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, इससे अपने बालों को ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाता है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए ये सिंपल टिप आप बालों को वॉश करने के पहले इस तरह ट्राई कीजिए, 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। इस तरह हफ्ते में 3 बार करके देखिए, अपने बाल बहुत ग्रो होने लगेंगे। अगर आपके बाल हेड का प्रॉब्लम है तो आप कोकोनट ऑयल को एलोवेरा लिप में इस तरह ऐड करके आप रात को सोने के पहले अपना बालों को स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कीजिए। जहाँ जहाँ अपना बाल जड़ रहा है, जहाँ जहाँ अपना बालों को ग्रोथ आप चाहते हो, उस एरिया पे एलोवेरा को इस तरह लेके अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके होल रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप स्टिकीनेस फील होते तो आप हेयर कैप की मदद से बालों को कवर कीजिए। कवर करके होल रात के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। ऐसा करने से ये अपना बालों को अच्छी तरह रिपेयर करता है एलोवेरा, और सुबह उठते ही शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए। ऐसे करके देखिए बालों को ग्रोथ 100% मिलेंगे और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर से ही आपको रिजल्ट आना शुरू होता है। इससे आपको बाल जड़ना भी कम होगा और टूटना भी कम होगा, बाल भी ग्रे भी जल्दी नहीं होता है और सूखे सूखे भी नहीं लगता है।
इस सर्दी का मौसम में इस ट्रिक को आप ट्राई करके देखिए, बालों के अंदर डैंड्रफ भी रिमूव होगा और बाल बहुत क्लीन और हेल्दी बनने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज के मेरी बालों का नुस्खा। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी कॉमेंट है तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।